This Hello. conference will now be recorded. Hello. Good evening, sir. Good evening. Good evening. तो ये निफ्टी आरएसए बिक्री का आरएसए नीचे आने लगा है. अभी ये सस्टेंड हो जाएगा, नीचे सस्टेंड हो जाता है तो निफ्टी थोड़ा वीक बनेगी और ये 11,700 तक तो मेरे ख्याल से सीधे भी जा सकती है. तो हमें अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है 12,160. ये लेवल के पास रेजिस्टेंस जरूर रहेगा मार्केट को, थोड़ा सा ऊपर आ सकता है लेकिन सस्टेन नहीं होने वाला ऐसे दिखता है. समझते हैं कि H3 के चार्ट के हिसाब से और वीकली H3 देखते हैं तो हायर लेवल पे मार्केट अभी सस्टेन नहीं रहेगा, वापस मैं नीचे जाने के लिए कोशिश करेगा. दो दिन में तो ऐसे रहेगा ही, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं लगती. जो बाय रहेगा वो शॉर्ट टर्म बाय रहेगा, वेरी शॉर्ट टर्म बाय रहेगा, खाली यहाँ से यहाँ तक का बाय रहेगा. मतलब निफ्टी जो जाएगी इस लेवल से इस लेवल तक का निफ्टी का सफर हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट्स का हो सकता है. ओके, लेकिन 150 पॉइंट्स के बाद मार्केट वापस नीचे जाएगा लगता है. तो क्योंकि वीकली कार्य से वीक बनने चला है, अभी देखते हैं कि प्रॉपर बाय जब तक नहीं आता तब तक बाय करने में मतलब नहीं है. तो बाइंग की लिस्ट अभी नहीं बन सकती क्योंकि प्रॉपर बाय नहीं है, कुछ कहाँ पे भी जा सकता है मार्केट. तो आरएसए सस्टेन हो जाएगा तो शायद ईयरली का शॉर्ट एवरेज के पास भी निफ्टी आ सकती है. वीकली का आरएसए नीचे सस्टेन हो जाता है तो ईयरली का शॉर्ट एवरेज मतलब 11,000 तक, सॉरी 10,000 तक, 11,000 तक मार्केट नीचे आ सकता है. तो ये थोड़ा सा ध्यान में देना चाहिए. अभी निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है 11,000, 12,000 निफ्टी रेजिस्टेंस रहेगा. 2 मिनट, निफ्टी रेजिस्टेंस रहेगा 12,160. सम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड बट निफ्टी में नॉट सस्टेन. एज पर करंट सिनारियो शायद सस्टेन नहीं हो सकती, फिर ध्यान में रखना है कि बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है. शॉर्ट सेल में कौन से स्टॉक शॉर्ट सेल कर सकते हैं उसकी लिस्ट बना सकते हैं हम. तो पहले मिल रहा है CESC भी देखो, शॉर्ट सेल का कैंडिडेट मिल रहा है. शॉर्ट सेल में क्वार्टरली वीकली के हिसाब से जाएंगे तो ये अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान में रखना है कि ईयरली का E6 को टच करने वाला स्टॉक कभी भी बाउंस मार सकता है. एग्जांपल था गोदरेज, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके शॉर्ट सेल करना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेके शॉर्ट सेल करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे में बाइंग के लिए अच्छा रहेगा. तो
मार्केट नीचे जा रहा है थोड़ा, तो शॉर्ट सेल करने के लिए मेरे ख्याल से स्टॉक्स हम ढूंढेंगे। बाइंग के स्टॉक्स तो आपके पास है, अपने पास है बीच में, लेकिन शॉर्ट सेल के लिए स्टॉक्स ढूंढते हैं। तो वीक बन जो स्टॉक्स बन रहे हैं वो सब शॉर्ट सेल कर सकते हैं हम। एक है अदानी पावर, बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट तो नीचे जा रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस पे ऊपर एक बार आ सकता है। क्वार्टरली वीकली में जो वीकनेस दिखेंगे वो सब स्टॉक्स आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। क्वार्टरली और वीकली के हिसाब से जो स्टॉक्स वीक है उनको आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। ये है एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स शॉर्ट सेल करने की लिस्ट रहेगी। तो ये पहला एक स्टॉक आ गया था, शॉर्ट सेल की लिस्ट बना रहे हैं हम। यहाँ पे वीकनेस दिखेगा वो शॉर्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस से करना पड़ेगा। कैस्ट्रॉल नया है कि दो के पास जा रहा है, एक सीएससी है, बाइंग के लिए थोड़ा रुकना चाहिए। बाय वाले स्टॉक्स भी थोड़े से नीचे आ जाएंगे, लेकिन शॉर्ट सेल में जो लिस्ट बनेगी तो उसमें निचली एचसी के हिसाब से शॉर्ट सेल करना पड़ेगा। ग्रासिम भी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हाँ
ओसी वीक दिखते हो सब शॉर्ट सेल कर सकते हैं। LIC बाइंग में जो स्टॉक्स है वो शॉर्ट सेल मत करना। निम्डीसी भी शॉर्ट सेल में आते हैं। टाटा मोटर भी अभी बाय मत करना, मेरे ख्याल से 150 तक नीचे जा सकता है। अगर कुछ पूछना रहेगा तो पूछ सकते हो सर। जुबिलियन फूड, जुबिलियन फूड ओवरऑल मार्केटिंग नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये बुलिश वाला है। बुलिश वाले स्टॉक्स थोड़े उतने ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। और HUL सर, HUL भी अभी रिट्रेस होना चाहिए, रिट्रेस होके बाद में नीचे जा सकता है। रिट्रेस होना चाहिए थोड़ा ओके नीचे, ये लेवल पे शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। ओके रिट्रेस करने के बाद शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ओके सर, सर एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स वीक है। शॉर्ट सेल में जा रहे हैं, शॉर्ट सेल में जा रहे हैं, लेकिन मंथली का अरे से ऊपर है ना, तो ऐसे स्टॉक थोड़ा सा स्लो जा जाता है नीचे, तो यहाँ पे गैप फॉर्मेशन चाहिए। जब वो मंथली कार्य से ऊपर है तो ना, तो मंथली कार्य से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे गैप था। निफ्टी में जब तक बाय नहीं आता तब तक बाय निफ्टी बाय नहीं आते। वेदांता कुछ, वेदांता मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है सर, कहाँ तक नीचे आ सकता है? 140 तक। ओके सर, कल रिट्रेस मिलेगा 155 तक। यूनाइटेड स्पिरिट भी है नीचे जा रहे हैं।
थोड़ा रिकवरी आ सकती है, लेकिन रिकवरी के बाद सस्टेन करने की चांसेस थोड़ा मुझे लगता है कम है। सर ये सीमेंट स्टॉक बुलिश है क्या? अल्ट्राटेक कौन सा? अल्ट्राटेक ये वीकली का आर एस नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा। सर माइंड्री माइंड्री प्रॉफिट बुक कर लो क्या? हाँ प्रॉफिट बुक कर लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना। पीएफसी अभी बाय नहीं हो सकता, थोड़ा रुको क्योंकि डायरेक्ट मत बाय करना, क्योंकि प्रॉपर बाय आने दो निफ्टी में, प्रॉपर बाय आने के बाद हम देखेंगे पूरे। सर ये एसआरएफ का प्रॉफिट बुक कर लो क्या? एसआरएफ हाँ प्रॉफिट बुक कर लो। ओके और मार्केट नीचे जा रहा है ना, काफी ऊपर है। और कुछ अदानी गैस? हेलो एसबीआई भी थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, शॉर्ट सेल में नहीं जा रहा है एसबीआई, शॉर्ट सेल में नहीं जा रहा है। हेलो सर अदानी गैस कुछ पण देऊ शकतो? अदानी गैस नवीन स्टॉक डेटा नहीं उतना ना, इसलिए कुछ नहीं बोल सकते। ओके सर सेंचुरी टेक्सटाइल, सेंचुरी टेक्सटाइल मैं तो प्रॉफिट बुक कर लूं क्या मैं? हाँ प्रॉफिट बुक कर लो, 440 आ जाएगा। सेंचुरी टेक्सटाइल 440 में ही बाय है ना? हाँ पर मेरे पास काफी नीचे में लिया हुआ है, ठीक है तो प्रॉफिट बुक कर लो। अच्छा है ना हाँ या और कुछ क्वेश्चंस? थैंक यू सर। या और कुछ? हाँ बोलो। एनी क्वेश्चन? ये मैनेज करना पड़ेगा इसमें, मैनेज करना पड़ेगा। में अभी सीएससी है अपनी जो लिस्ट है शॉर्ट सेल की लिस्ट, उसमें ये मैनेज करना पड़ेगा डिफरेंस, ये शॉर्ट एवरेज और मिड एवरेज का डिफरेंस मैनेज करना पड़ेगा। बॉश है ये भी शॉर्ट सेल में है, ये शॉर्ट सेल में ही है, तो आईओसी है, ये सब शॉर्ट सेल के कैंडिडेट है। जो बाइंग की कैंडिडेट है वो अलग है, उनको वीकली 30 के पास बाय कर सकते हैं। गुजरात गैस प्रॉफिट बुक कर लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि जो बाइक के स्टॉक से वो शॉर्ट सेल में नहीं जाते हैं, मतलब उसमें शॉर्ट सेल नहीं हो सकता। जो अपने लिस्ट में है बाइक के उसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगती है क्योंकि बाउंस दे देगा, लेकिन जो शॉर्ट सेल की लिस्ट है वो अलग बनानी पड़ेगी। उसमें मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो कौन से स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स हम ले सकते हैं जिसमें क्वार्टरली वीक है और वीकली में आरएसए नीचे गया, वो तो प्रीफर करो। क्वार्टरली वीक है
और वीकली में आरए से नीचे गया है वैसे स्टॉक को प्रिफर कर लेना तो अच्छा रहेगा। क्वार्टरली वीक है और वीकली में आरए से नीचे गया है वैसे स्टॉक्स को हम प्रिफर करेंगे। ये भी चलेगा, कैडिला भी चलेगा, कैडिला शॉर्ट सेल कर सकते हैं कल भी, कैडिला शॉर्ट सेल के लिए अच्छा है, कल के लिए डिफरेंस भी कम है। तो क्वार्टरली में वीक है और वीकली में आरएसआई से नीचे गया है, वीकली में आरएसआई सिग्नल लाइन के नीचे सस्टेन हुआ है और क्वार्टरली पूरा वीक है, वैसे स्टॉक को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और या क्वार्टरली में वीक है और वीकली में ओवरबॉट हुए हैं वैसे स्टॉक को भी हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। एग्जांपल है उसका, वीकली में क्वार्टरली में वीक है और वीकली में ओवरबॉट है, जो बुल वाले हैं उनको शॉर्ट सेल हम नहीं कर सकते क्योंकि वो कभी भी बाउंस दे सकते, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आ जाए तुरंत बाउंस दे देगा। तो क्वार्टरली में वीक है, ये देखो क्वार्टरली में वीक है और वीकली में ओवरबॉट है। एग्जाम्पल एशर है, क्वार्टरली में वीक है और वीकली में ओवरबॉट है और आरएसए भी नीचे आ गया, इसका मतलब ये शॉर्ट सेल का कैंडिडेट हो रहा है। वीकली में आरएसए सिग्नल लाइन के नीचे सस्टेन हुआ, इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ, मतलब स्टॉक नीचे की तरफ श्योर जा रहा है, और क्वार्टरली में वीकनेस रहेगा तो जरूर जाएगा। ये भी देखो एक स्कॉट भी है, और कुछ पूछना है? ये क्वार्टरली में वीक है और वीकली में आरएसआई वाइज वीक हो गया है, और इसमें तो एक और एक अच्छी कंडीशन इसमें है ये स्टॉक में कि आरएसआई सिग्नल लाइन के नीचे सस्टेन है। इस स्टॉक को हम सस्टेन कर सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन? गुड नाइट।